हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू मार्केट अपडेट एंड स्टॉक ऑफ द डे वीडियो। वेल, वीडियो की शुरुआत के पहले मैं जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि क्योंकि आज वेनसडे है तो आज इवनिंग को 4:30 PM 4:30 बजे एक्सपायरी डे वेबिनार अटेंड करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम डेरिवेटिव्स डेटा के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कल की एक्सपायरी कैसे रह सकती है इसको प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेंगे। वेल, आज मार्केट्स डेफिनेटली करेक्टिव फेज में है। कल हमने सेकंड हाफ से ही प्राइस वाइज करेक्शन देखा है तो मोमेंटम रीडिंग्स एक ओवरबॉट जोन पे थे और मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास था 18,150-18,200 के रेंज में, और इसीलिए हमको एक करेक्शन आज देखने मिला है। लेकिन करेक्शन कितना डीप हो सकता है ये यूजुअली डिपेंड करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स में कैसा मोमेंटम है, और आप देखेंगे कल हो या आज दोनों ही ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रॉडर मार्केट्स है उसमें सेल ऑफ नहीं आ रहा है, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो हैवीवेट्स है जैसे आईटी है, बैंकिंग है, ऐसे कुछ हैवीवेट्स है वो इंडेक्स को ड्रैग कर रहे हैं। तो जनरली ये साइन एक बुल मार्केट के करेक्टिव फेज का होता है कि ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन जस्ट एक इंडेक्स अपना करेक्शन कंप्लीट करेगा और उसके बाद आप फिर से एक मोमेंटम रिज्यूम होते हुए देख सकता है। तो फिलहाल ऑल्दो हम एक्सप्लोसिव मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने डेली चार्ट के 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। 17,770 के आसपास निफ्टी में 20 ईएमए है, और सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो अभी तक का लो बनाया है वो ही 20 ईएमए के आसपास है। तो यहां से एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड हाफ में। अब वेदर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक साइडवेज मूव या एक छोटा सा पुल बैक मूव रहेगा, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। बट मे बी इंट्राडे आई थिंक यहां से डाउनसाइड काफी लिमिटेड रहेगा इंडेक्स के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स, तो आज के करेक्शन में हम एक ऐसा स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं जिसने कल ब्रेकआउट दिया था लेकिन आज मार्केट के साथ साथ पुल बैक मूव दिया है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमने कल काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट देखा था। आज का जो पुल बैक मूव है स्टॉक लगभग 1-1.5% से नीचे है, इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तरीके यूज करनी चाहिए फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। करंटली ये स्टॉक 4580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 4430 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के आप ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 4860 के पहले टारगेट्स रहेंगे और पोजिशनली आई थिंक ये 5000 के लेवल्स भी क्रॉस कर सकता है बहुत ही जल्द। सो दिस इज अवर स्टॉक ऑफ द डे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। होप यू स्टे विथ अस एंड आज इवनिंग 4:30 आई विल सी यू अगेन। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग सेशन अगेन। थैंक यू।